आज सिनेमा घरों में अजय देवगन की फिल्म भोला आ गई है। हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फिल्म में भोला नाम के एक शख्स की कहानी दिखाई गई है जो पिछले कई सालों से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन एक दिन उसके अच्छे व्यवहार के चलते उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। वो अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। बीच रास्ते में उसे एक पुलिस वाला क्रिमिनल समझकर पकड़ लेता है, लेकिन तभी फिल्म में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि भोला को उन पुलिस वालों की मदद करनी पड़ती है। हालांकि इस बीच उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसी बीच फिल्म में कई ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए गए हैं जो फिल्म की जान है। क्या भोला अपनी बेटी से मिल पाता है या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म के आखिर में पता चलता है कि भोला का एक पास्ट भी है जो फिल्म में नहीं दिखाया गया है। वैसे फिल्म में अजय देवगन की परफॉर्मेंस सच में लाजवाब रही है। फिल्म की पूरी कहानी सिर्फ एक ही रात की है, इसलिए फिल्म की पूरी शूटिंग रात के टाइम में की गई है। इसको देखकर लग रहा है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा।